शहर के जरीपेट का परिसर स्थित दयानंद पार्क इलाके में अपने दो बच्चे और पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर लेने के मामले से स्थानीय नागरिकों में शोक व्याप्त है। बस्ती के लोगों के अनुसार अग्रवाल परिवार के घर का दरवाजा सोमवार से नहीं खुला था। इस तरह अचानक मंगलवार की शाम तक उनके मकान का दरवाजा नहीं खुलने से पड़ोसियों को संदेह हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। दरवाजा भीतर से बंद होने से मकान मालिक और स्थानीय नागरिकों के सामने ही पुलिस ने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दिया। इस दौरान पहले ही कमरे में मदन अग्रवाल पंखे से लटके दिखाई दिए। इसके बाद भीतर के कमरे का दृश्य देखकर पुलिस अधिकारी भी विचलित हो गए। मदन की पत्नी किरण, बेटा वृषभ और बेटी टिया लहूलुहान हालत में मृत पड़ी थी। मकान से एक साथ चार शव निकाले जाने के दृश्य को देखकर परिसर के नागरिकों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मदन को क्रिकेट सट्टे का शौक था, इसके चलते उसने कई लोगों से बड़ी राशि उधार लिए जाने की भी चर्चा है। यह राशि नहीं लौटा सकने की वजह से ही उसके द्वारा यह कदम उठाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि सोमवार को अपने भाई से 1500 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद उसके भाई ने उसके खाते में 1500 रुपए भी डाल दिए थे। उल्लेखनीय है कि मदन का ससुराल पड़ोस में ही है। दोपहर को उनके ससुर भी बेटी और नाती से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेन गेट पर ताला देख कर वह लौट गए थे। दोबारा लौट कर आए तो फिर उन्हें बेटी और नाती के शव का ही दीदार हुआ। मृत्यूचं शहर हळहळलं आहे, काय नेमकं प्रकार आहे काय सांगा? या ठिकाणी संध्याकाळी अशी माहिती मिळाली की घरामध्ये एक व्यक्ती सिलिंगला लटकलेला आहे। त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी हात नको लावणार आहे बाबा आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी पोलिसांचे सोबत इथले घरमालक आणि त्यांचे नातेवाईक यांना बोलावून ते दार तोडून ज्यावेळेस आत प्रवेश केला तर एक त्यांचा जो माणूस आहे तो सिलिंगमध्ये लटकलेला दिसत आहे आणि त्याची पत्नी आणि दोन मुलं यांचं बेडवर ते पडलेले आहेत आणि त्यांचं जो आहे स्टॅबिंग केलेलं आहे असं दिसत आहे प्राथमिक ह्याच्यामध्ये। आणि असा अंदाज आहे की त्यांनी त्या व्यक्तीने मुलांना पत्नीला मारून सुसाईड केला असेल कदाचित असं दिसतंय, कारण दार तोडून पोलिसांनी आतमध्ये एंट्री केलेली आहे। 15 साल से मेरा आना जाना था हाउसिंग बोर्ड दयानंद पार्क। मेरा नाश्ता का कार्यक्रम था, मैं नाश्ता करके चले जाता था। कभी कभार ये बोलता था कि मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने हाउसिंग बोर्ड में मकान लिया। करीब करीब 6.5-7 लाख में मकान लिया था। धीरे धीरे उसने बनाया किया और वहीं रहने लगा। फिर कुछ समय के बाद में बोले इसको बेचना है। बोला कितने में बेचना है? बोले 15 से 20 लाख में बेचना है, उससे नीचे नहीं बेचूँगा। मैं बोला ठीक है, मैं ग्राहक देख लेता हूँ, अगर मिला तो मैं तेरे को बता दूँगा, मेरी कमीशन लागू रहेंगी 2%। ठीक है, बोले मैं तेरे को 2% दे दूंगा। बोले अभी दूं क्या? बोला अभी नहीं, जब गिराई करेंगे तब। उसके बाद में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कुछ 8-9 महीने नहीं हुई। चाइनीज़ का धंधा क्या? चाइनीज़ का धंधा रोज का 7-8 हज़ार 9 हज़ार का धंधा रोज का था। सुबह 10 से लेके चालू करता था, शाम में 10 के बाद ही बंद करता था। आज ऐसी समय ये आया कि IPL के चक्कर में था, IPL यानी क्रिकेट मैच। क्या करता लगाता था, कुछ खाता भी था किसी से, सट्टा सटका मटका बोलते हैं जिसको। कभी बात हुआ कि इस बारे में? इस बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन चिट्ठी वो लिखता था, खाता भी था, लेता भी था, यानी बढ़ने की कोशिश बहुत थी उसकी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।